गुलाबो, कल मेरे बेटे आरव का 15वां जन्मदिन है। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। पार्टी की तैयारी में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, इसलिए कल सुबह जल्दी आ जाना। पार्टी के बाद हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। दिन भर के मैं तुम्हें 500 रुपये अलग से दूंगी, ठीक है? शालिनी ने अपनी काम वाली बाई गुलाबो से कहा। जी दीदी, मैं समय से आ जाऊंगी, गुलाबो बोली। 2 साल पहले ही तो शालिनी और गौरव इस सोसाइटी में रहने आए थे। तब से गुलाबो ही घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। शालिनी के पति गौरव ऑफिस में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से शालिनी की मदद नहीं कर पा रहे थे। गुलाबो ने क्रॉकरी, डिनर सेट की अच्छे से सफाई की, घर की खूबसूरती से सजावट की, गिफ्ट पैक करने में शालिनी की मदद की, खाने के कुछ व्यंजन बाहर से मंगवाए और कुछ घर पर ही बनाए गए थे। इन सब में गुलाबो ने शालिनी की पूरी पूरी मदद की। मेहमानों के आने पर शालिनी और उसके पति ने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। केक कट किया गया, सब बच्चे बहुत खुश थे। खाना परोसने से लेकर मेहमानों की देखभाल तक सब काम गुलाबो चुस्ती फुर्ती से कर रही थी। सारे मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शालिनी कुछ समय से नोटिस कर रही थी कि गुलाबो काम करते करते घड़ी की तरफ बार बार देख रही थी। रात के 8 बज रहे थे। गुलाबो, तुम चिंता मत करो, मेहमानों के जाते ही हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। वैसे तुम बार बार घड़ी क्यों देखे जा रही हो? शालिनी ने पूछा। वो दीदी, आज हमारे बेटे पवन का भी जन्मदिन है। पूरे 16 बरस का हो गया आज। रात का खाना हम उसके साथ ही खाना चाहते थे, इसलिए जल्दी घर जाना चाहते थे, गुलाबो ने सकुचाते हुए कहा। अरे पगली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? आज तुम छुट्टी ले लेती, हम काम के लिए किसी और को बुला लेते, शालिनी ने कहा। जी दीदी, वो आपने कहा था ना कि दिन के 500 रुपये देंगे। इन रुपयों से मेरे बेटे का 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज हो जाता। साल भर पहले उसके पिता ने उसे सेकेंड हैंड मोबाइल ला कर दिया था। वो हमें 2 दिन से मोबाइल रिचार्ज कराने कह रहा था, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके पिता की भी तबीयत खराब है। इन पैसों से हमारा बेटा 3 महीने आराम से मोबाइल पर पढ़ सकेगा, गुलाबो ने उम्मीद के साथ कहा। फिर शालिनी किसी को फोन करने लगती है। उसके बाद शालिनी गुलाबो का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच ले आती है। आप सब जो इस पार्टी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे गुलाबो की मेहनत है। अगर आज गुलाबो मेरी मदद नहीं करती तो मैं इतना अच्छा इंतजाम शायद नहीं कर पाती। साथ ही शालिनी ने कहा, आज यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जन्मदिन मनाए जाएंगे। तभी वहां दरवाजे से गुलाबो का बेटा पवन आता दिखाई पड़ता है। गुलाबो की आंखें फटी की फटी रह गई। ड्राइवर से कहकर मैंने पवन को बुलवा लिया था, शालिनी ने कहा। शालिनी रसोई से एक और केक लेकर आती है जो आरव का दोस्त लेकर आया था। चलो आओ पवन, केक काटो और सबके साथ जन्मदिन की खुशियां मनाओ, शालिनी ने कहा। शालिनी ने गुलाबो और पवन को खाना परोसा और एक डिब्बे में केक और कुछ मिठाइयां पैक करके उनको दी। गुलाबो, ये लो 1000 रुपये, 500 तुम्हारी इतनी अच्छी मदद के लिए और 500 तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर मेरी ओर से तोहफा। शालिनी ने तुरंत ड्राइवर के साथ उनके घर जाने की व्यवस्था करा दी। गुलाबो एकदम निशब्द रह गई। वो शालिनी के चरण छूने लगी। दीदी, आपने हमारे लिए जो किया वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, गुलाबो ने कहा। आज शालिनी के मन को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।